हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डॉक्टर सिकंदर कुमार का राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने के उपरांत पहली बार बिलासपुर आने पर कामधेनु हितकारी मंच नम्होल द्वारा अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि कभी कल्पना नहीं की थी कि वो कभी सांसद बनेंगे। बचपन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं और आज उन्हें सांसद बनने के पश्चात ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने सही चुनाव किया था। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी में ही संभव है कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपनी मेहनत योग्यता से बड़े बड़े पद तक जा सकता है। पीएलटी एमए करने के बाद नेशनल एजुकेशन टेस्ट होता है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, वो मैंने क्वालिफाई किया और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का मैं प्रथम शिक्षक हूं जो नेट क्वालिफाई। उसके बाद उस विश्वविद्यालय ने मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में स्वीकारा। उसी विश्वविद्यालय में मैं एसोसिएट प्रोफेसर बना, प्रोफेसर बना। विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग का मैं दो बार अध्यक्ष रहा, डायरेक्टर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर रहा, डायरेक्टर एग्रीकल्चर सेंटर रहा, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहा। और अंततः जिस व्यक्ति की कोई रिकमेंडेशन नहीं है उस व्यक्ति को विश्वविद्यालय का कुलपति होने का भी मौका मिला। हिमाचल प्रदेश में 5-6 विश्वविद्यालय है। नौणी में हमारा हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, पालनपुर में हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और अभी हाल ही में हमारा क्लस्टर विश्वविद्यालय जो मंडी विश्वविद्यालय मंडी में बना है उसका भी चार्ज मेरे पास रहा है। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी में उसका भी चार्ज मेरे पास रहा है जो वाइस चांसलर। और कुलपति के रूप में जो मैं कर पाया वो आप सभी साक्षी हैं। अब राज्यसभा के सांसद के रूप में मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत होगी और मैं आपको इस मंच के माध्यम से आपको वचन देता हूं कि जिस तरह से मैंने कुलपति के रूप में कार्य किया है अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं 6 साल मेरा कार्यकाल है सांसद का, मैं आपको बता दूंगा कि एक सांसद कर क्या सकता है। जब मैं छोटा था तो बड़े बड़े लीडर आते थे और मैं सबसे ज्यादा कायल राजन जी के भाषण सुनने का, जहां भी होता था पैदल दौड़ता था। मेरे घर में भी, पुराने घर में भी, जो नया बनाया उसमें भी सिमरन में आप देखेंगे अटल जी के बहुत से फोटोग्राफ, एक कोलाज दिल से जहां स्वीकारा जाता है वही नेतृत्व।